हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहोगे। मैं भी पहले से अच्छी हूँ, तबीयत अच्छा है 90%। लेकिन पैर का जख्म तो आप लोग को पता है, अगर मेरे ब्लॉग देखे रहेंगे तो मेरे पैर में बहुत जख्म है। थोड़ा सा आराम है बोल के थोड़ा काम पे भी जाती हूँ, घर में किसी भी तरह से कर लेती हूँ। आज खस्सी का फेफसा बनाने वाली हूँ, 60 रुपये की एक फेफसा लेके आई हूँ, वह भी बनाऊँगी तो आप लोगों को साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। दोस्तों, फेफसा को पानी में डाल के उबलने के लिए छोड़ी हूँ और इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छे से इसको उबालना है, इससे इसके अंदर के जितने कचरे रहेंगे, गंदगी रहेगा, सब निकल जाएगा। जब उबलेगा तब फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दोस्तों, पानी में उबल रहा है, इसको मैंने 10 मिनट तक उबाल ली हूँ, इसमें बहुत सारे गंदगी निकला है। रुकिए, मैं गैस को स्लो करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कढ़ाई के चारों साइड में दिख रहा है ना आपको, कितने सारे गंदे लगे हैं। ये देखिए, ये सारे गंदगी देखिए, सारे गंदगी निकले हैं। ये देखिए अभी, और इसमें कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, और अभी ये ठंडे होने पे छोटे हो जाएंगे। अभी इसको मैंने अच्छे से पानी से धो के साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोग को वापस आके बताती हूँ। देखिए दोस्तों, फेफसा के देखिए एकदम अच्छे से धो ली हूँ, देखिए एकदम साफ करके धो ली हूँ। 4-5 मीडियम साइज के कांदा ले ली हूँ, 2 थोड़ा मीडियम साइज की टमाटर ले ली हूँ। अभी इन सबको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। इधर मसाले में ली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। सारे मसाले आप अपने अंदाज से अपने तरीके से ले सकते हो, आपको जितना कांदा टमाटर चाहिए जैसा चाहिए आप अपने अंदाज से ले सकते हो। तो चलिए अभी टमाटर और कांदा के बारीक बारीक काट लेते हैं। दोस्तों, कुकर चढ़ा दी हूँ, इसमें तेल डाल दी हूँ, तेल गर्म हो चुका है। अब ये जो कांदा है मैंने बारीक बारीक करके काट ली थी, भेल वाले लोग के जैसा हम कांदा काटने वाले मशीन में ऐसे ही करता है, आप जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं, लेकिन बारीक बारीक काटना है। अब हम इसको कुकर में इसको डाल देंगे, अब इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद वापस आप लोग के पास फिर आते हैं। देखिए दोस्तों, कांदा हमारा 70% तक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें इस फेफसे को डाल देंगे, पानी है इसलिए हम हाथ से निकाल के डाल रहे हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, कम से कम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने से क्या होता है, इसके अंदर जो भी अगर थोड़ा खराब स्मेल वगैरह अगर कभी रहता है चिकन मटन में, तो फ्राई करने से वो निकल जाता है। इसको अभी हम 5 मिनट तक फ्राई करके वापस आते हैं। देखिए दोस्तों, 5 मिनट तक हो चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, जो मसाला हमने निकाल के रखे हैं, देखिए ये सारे मसाले हमने डाल देंगे इसमें। लहसुन रह गया है, लहसुन मैं पोंछ के डाल दूँ इसमें। देखिए, इसमें लहसुन भी डाल दी हूँ, बर्तन में चिपक के रह गया था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, आज खास करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो टमाटर बारीक बारीक काट के रखे हैं इसको डाल देंगे। अब ये सबको हम 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हम 2 मिनट तक इसको चला ली हैं अच्छे से। अब हम इसमें अपने अंदाज से पानी डाल देंगे और इसको हम इसको 3-4 सीटी लगा लेंगे, क्योंकि ये जल्दी जलता नहीं है। तो ये 3-4 सीटी हम लगाएंगे तो फिर ये गल जाएगा। अब हम इसको कुकर लगा ढक्कन लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, 4 सीटी लगा दी हूँ, गल चुका है फेफड़ा। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, एक तेजपत्ता का 2-3 टुकड़ा कर ली हूँ, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है और थोड़ा सा दालचीनी है। ये सबको हम अभी इसमें डाल देंगे
और इसको अच्छे से हम कस लेंगे, चलाते हुए अच्छे से इसको हम कस लेंगे। आज खास करके हम इसको कस लेंगे दोस्तों। हम फेफसा को एकदम कस लिए हैं, पानी सुखा दिए हैं, देखिए कैसा तेल छोड़ दिया है, कितना अच्छा कलर दिख रहा है। तब हम इसमें पानी डालेंगे, हमको जितना पानी रखना है उससे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अच्छे से इसको खौला लेंगे, खौलने के बाद इसको मीडियम आंच पे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर अच्छे से नहीं पकाएंगे तो कच्चापन रह जाएगा, पानी पानी लगेगा। तो चलिए हम अपने अंदाज से पानी डालते हैं। ये देखिए हमको जितना पानी चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल दे रहे हैं। अब इसको हम आंच फास्ट करके अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको खोलने देते हैं, जैसे ही ये खोल जाएगा तो हम आंच को मीडियम कर देंगे, ढक के इसको 5 मिनट तक पकने देंगे मीडियम आंच पे। दोस्तों खस्सी का फेफड़ा बनके रेडी है, देखिए इस तरह से कस के बनाई हूँ। देखिए तेल छोड़ दिया है, कितना अच्छा कलर बना है। देखिए इसको आप रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, दाल चावल के साथ खा सकते हो। इसमें ज़्यादा पानी डालने से अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कसा कसा बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा टेस्ट होता है। तो आपको अगर ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो आप दाल बना के दाल के साथ चावल के साथ खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। तो हम इसको रोटी के साथ खाएंगे, रोटी बनाए हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से खस्सी का फेफड़ा बनाइए, टेस्ट करिए, कमेंट करिए। अच्छा बनता है तो भी कमेंट करिए, बुरा बनता है तो भी कमेंट करिए, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को मेरे बनाए हुए रेसिपी पसंद आया या नहीं आया। तो मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एक दूसरे के साथ। आप लोग की एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक व्यूज किसी का ज़िंदगी बदल सकता है, एक गरीब का गरीबी दूर कर सकता है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए, आप सब एक दूसरे के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।